चलिए जी, आज यम्मी सा अचारी चिकन बनाते हैं, जिसके लिए हम आधा किलो चिकन ले लेंगे, दो प्याज ले लेंगे, इसको बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक करना है, या आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। दो टमाटर, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी ले लेंगे, 3 टेबल स्पून जितना दही और हरा धनिया ले लेंगे। चलिए जी, अचारी मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम जीरा, सौंफ, राई, मेथी दाना, पीली राई और धनिया ले लेंगे। ये सबको हमें आधा आधा टीस्पून लेना है, और आधा टीस्पून कलौंजी, कलौंजी को हमें पीसना नहीं है। चलिए जी, हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन हमने ऑलरेडी वॉश करके रखा है, आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। चलिए जी, इसमें हल्दी, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और दही ऐड कर लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, अच्छे से मैरिनेट करके एटलीस्ट 20-30 मिनट्स तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारा चिकन टेंडर बनेगा, हार्ड नहीं होगा कुक होने के बाद। मैरिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी डिश में। चलिए जी, हम अचारी मसाला पीस लेते हैं। मैं स्टोन वाले ग्राइंडर में कर रही हूँ, आप अगर मिक्सी में कर रहे हैं तो बहुत कम उसको स्टार्ट करिएगा, वरना बहुत बारीक पेस्ट हो जाएगा। मोटा मोटा पाउडर ही हमें रखना है, दरदरा सा। देखिए, हो चुका है हमारा, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। कलौंजी बिल्कुल नहीं पीसना है, याद रखिए। ये देखिए, चले जी, गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन, और इस पर हम रख देंगे एक आयरन की कढ़ाई। आयरन की कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आपके पास ना हो तो आप ज़रूर एक आयरन की कढ़ाई ले लीजिए। चलिए जी, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल हम लेंगे 5 टेबल स्पून जितना। चलिए जी, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसके कच्चे स्मेल चली जाएगी। ये देखिए, अच्छे से तेल छोड़ चुका है, अभी हम इसमें ग्रेटेड टमेटो का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से स्टर करते रहना है। चलिए, जिसको ढक करके कुछ टाइम पका लेते हैं। चिकन अच्छे से हमारा कुक हो रहा है, इसमें धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे, और जो हमने अचारी मसाला
बनाया था उसको भी इसमें डाल देंगे, साथ ही कलौंजी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिस बोल में हमने चिकन मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे। आप पतली ग्रेवी खाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, लेकिन इसकी थिक ग्रेवी अच्छी लगती है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा अचारी चिकन बन चुका है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। टेस्ट भी बहुत यम्मी रहेगा, बिल्कुल आप ज़रूर से ट्राई करिए। रोटी के साथ, नान के साथ, राइस के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलिए जी, हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिए। दुआ में याद रखिए, आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आगे भी अपना सपोर्ट देते रहिए, मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज डालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अभी नेक्स्ट मैं रमज़ान की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, आप वो भी ज़रूर से देखिएगा। अभी आप अपना अचारी चिकन एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।